what's up guys how are you hopala all are you doing good so today is our lecture number 6 in which we are trying to cover for loop in c language and the second topic is your do while loop so let's start from the for loop and try to learn it and we will try to solve some pro problems in it ओके, okay. सो so, हमने कल क्या समझा था वाइल समझा था तो लूप के अंदर बेसिकली हमने समझा क्या था समझ कंडीशन यूज कर रहे होते थे इसके बाद अंदर कुछ कोड ऑफ स्टेटमेंट होते थे ठीक अब उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या कर रहे होते थे कि जो हमारा काउंटर वेरिएबल है उसको या तो इंक्रीमेंट कर रहे होते थे या अपन डिक्रीमेंट कर रहे होते थे अगर ये दोनों ये दो चीजें यहाँ पे कर रहे होते तो एक चीज क्या है यहाँ पे आप कंडीशन चेक कर रहे हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं काउंटर वेरिएबल का और काउंटर वेरिएबल को आप इनिशियलाइज कहां कर रहे होते थे वाइल जो लूप आप यूज कर रहे हैं उसके पहले ही आपको उसको इनिशियलाइज करना होता था तो क्या कोई ऐसा मेथड नहीं है कि जिसके माध्यम से आप लोग ये तीनों चीजें आप अपने वेरिएबल जो काउंटर वेरिएबल है काउंटर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन जो है वो सबसे पहले कर लें साथ ही में कर लें यहाँ पे और एक ही लाइन के अंदर दूसरी चीज क्या कर लें कंडीशन चेक कर लें और तीसरा क्या कर लें उसी चीज़, चीज़ के अंदर उसी एक लाइन के अंदर आप लोग अपने जो काउंटर वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर पाए तो ये कैसे पॉसिबल होगा क्या ऐसा कोई मेथड है तो सी लैंग्वेज के अंदर हाँ ऐसा एक मेथड है जिसकी मदद से आप लोग ये तीनों काम एक साथ एक लूप के अंदर कर सकते हो एक लाइन लिख के तो इसी को बेसिकली इस ये जो मेथड है जिसके अंदर आप अपने काउंटर वेरिएबल को एक साथ इनिशियलाइज करेंगे उसकी कंडीशन चेक करेंगे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे वो बेसिकली आपका होता है फॉर लूप की मदद से ठीक है फॉर लूप आपको ये सुविधा प्रदान करता है कि आप एक साथ वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लें उसको कंडीशन चेक कर लें और इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर लें तो अब इसका ये समझ लेते हैं कि जो इसका जनरल फॉर्म होगा फॉर लूप का वो क्या हो रहा होगा तो फॉर लूप का जो जनरल फॉर्म है बेसिकली तो यहां पे लिख देते हैं जनरल फॉर्म तो फॉर लूप का जो जनरल फॉर्म है वो हमारा होगा सबसे पहले तो क्या कर रहे होंगे फॉर कीवर्ड लिख रहे होंगे कीवर्ड के बाद बेसिकली क्या कर रहे होंगे इनिशियलाइज कर रहे होंगे हम अपना काउंटर उसके बाद क्या कर रहे होंगे हम अपनी कंडीशन चेक कर रहे होंगे ठीक है कंडीशन चेक करने के बाद अपने जो ऑपरेटर है उसको क्या कर रहे होंगे इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर रहे होंगे कंडीशन चेक करना है और यहाँ पे ये देखिए ये बेसिकली ये ऐसे होगा स्टेटमेंट टर्मिनेटर जो यूज करते हैं हम लोग वो होगा कंडीशन चेक करी हमने और उसके बाद में क्या कर रहे होंगे बेसिकली इंक्रीमेंट या फिर अपने आप जो ये हम लोग यूज कर रहे हैं काउंटर वेरिएबल उसको डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट कर रहे होंगे तो ये तीनों चीजें आप लोग क्या कर सकते हैं एक लाइन के अंदर एक कोड में लिख के इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप कम स्पेस के अंदर ऐसी उसको जो अपनी कंडीशन है उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं ठीक है तो अब इस चीज को अपन क्या करते हैं कोड के माध्यम से समझते हैं वैसे मैंने बता दिया है लेकिन इसको कोड के माध्यम से समझते हैं तब ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा तो क्या करते हैं हम लोग सिंपल एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम लिखते हैं ठीक है सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट का जो प्रोग्राम हम लोग लिख रहे होंगे सिंपल सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो के के प्रोग्राम के अंदर हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होंगे हमको करना यह है कि यूजर से इनपुट लेना है मल्टीपल यूजर्स हैं और उनके इनपुट लेने के साथ में उनको मल्टीपल यूजर्स को हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट करके देना है ठीक है और इनपुट में आप लोग क्या ले रहे होंगे उसका जो उसके जो बेसिक वैल्यू होगी वो ले रहे होंगे साथ में वो कितने टाइम के लिए है ये ले रहे होंगे और जो उसका इंटरेस्ट होता है वो ले रहे होंगे तो बेसिकली क्या करते हैं हमको तीन वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी पी एन और आर ठीक है इनके माध्यम से तो हम अपना सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है लेकिन अब आपका ये मल्टीपल यूजर्स के लिए है तो इसको हम लोग कैसे कर रहे होंगे ये अपन समझ लेते हैं तो यहाँ पे लगा देते हैं हेडिंग एसआई प्रोग्राम Using for loop, using for loop. ठीक है तो चलो शुरू करते हैं और इसको हम लोग आपको वैसे करके दिखाते हैं फ्लो चार्ट की मदद से क्योंकि आप इससे आसानी से समझ जाएंगे कि फॉर लूप बेसिकली यूज कैसे हो रहा होता है तो सिंपली पहले इसको ड्रा कर लेते हैं फिर अपन समझते हैं तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे एक स्टार्ट लिखेंगे हम लोग स्टार्ट लिखने के बाद क्या करेंगे उसके नीचे एक ऐसे हम ब्लॉक बनाएंगे ठीक है ब्लॉक बना रहे होंगे और ब्लॉक के अंदर आपको करना क्या है बेसिकली तीन कंडीशंस डालनी है ठीक है तीन कंडीशंस को ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में हम लोग यूज कर रहे होंगे ठीक है तो जो सबसे पहली कंडीशन आप यूज कर रहे होंगे वो ऐसे होगी आपकी सॉरी इसको मैं इरेज करके दोबारा बना देता हूँ क्योंकि वो सही नहीं अभी है वो फिर गड़बड़ कर जाएगा जिस हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूँ वहां पे वो हो नहीं पाएगा ठीक है तो सिंपली दोबारा से सेलेक्ट करते हैं और दोबारा से इसको ड्रा करते हैं कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ठीक है ओके करते हैं और सिंपली ये देखो जैसे ये हमने किया ठीक है एक ये बनाया ब्लॉक हमने इसके अंदर इधर हमने दो ब्लॉक कर दिए इधर एक सिंगल ब्लॉक रहने दिया अब इसमें करेंगे क्या बेसिकली वो मैं अभी आपको बाद में बता रहा हूँ कि कैसे करना है अब मुझे पहले ये लिख लेने दीजिए उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ काउंटर वेरिएबल को मैंने वन इनिशलाइज कर दिया और काउंटर वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको एक 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 करके आप बढ़ा रहे होंगे ठीक है उसके बाद इधर जाएगा दूसरा वाला भी इधर ही जाएगा और उसके बाद कंडीशन चेक होगी कि काउंट की वैल्यू क्या थ्री से बड़ी है हमारी इतना हम चेक करेंगे उसके बाद जो नो अगर ऐसा नहीं है तो क्या करना है ये हमने लिख लिया यहाँ पे उसके बाद सिंपली इधर क्या करना है अगर ऐसी कंडीशन सही है हमारी तो हमको क्या करना है यहाँ पे अगर यस लिख लेते हैं साथ ही में तब हम लोग क्या कर रहे होंगे इनपुट ले रहे होंगे पी एन और आर का ये मैंने बताया आपको उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है सिंपली हम अपना जो एस SI का फॉर्मूला होता है पी इंटू एन इंटू आर अपॉन हंड्रेड ये लिखे और उसके बाद सिंपली प्रिंट कर लेंगे हम एस SI को ठीक अब जब एस आई प्रिंट हो जाएगा तब करना क्या है सिंपली इसको ऊपर फिर से लूप के पास एग्जीक्यूशन के लिए भेज देना है ठीक है यहाँ पे दोबारा से भेजना है अब हम समझते हैं इस कोड को बेसिकली ये कोड चलेगा कैसे ठीक है इस चीज को अपन समझ लेते हैं तो सबसे पहले क्या होगा स्टार्ट होने के बाद काउंटर वेरिएबल जो आपका है उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी हो जाएगी वन है तो वन होने के बाद ये क्या करेगा इधर आएगा ठीक है जब इधर आएगा तो ये चेक करेगा क्या आपकी कंडीशन ट्रू है काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है तीन या छोटी है क्या हाँ तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो जब कंडीशन ट्रू हो गई तो वो, वो अंदर आएगा यस वाली कंडीशन चेक हुई है तो ये अंदर आ जाएगा अंदर क्या करेगा पी एन और आर तीनों आपको यूजर से लेने हैं और सिंपली यस जो सिंपल इंटरेस्ट है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा अब जब सिंपल इंटरेस्ट प्रिंट हो चुका होगा तो उसके बाद क्या हो रहा होगा ये आपका एग्जीक्यूशन यहां पे आएगा दोबारा से ये जो ये वाला ब्लॉक है इसमें आ रहा होगा और काउंटर की वेरियबल वेरिएबल की जो वैल्यू वन थी वन से क्या हो जाएगी अब टू हो जाएगी ठीक है काउंटर वेरिएबल की वैल्यू अब टू हो गई टू होने के बाद क्या होगा वो फिर से इधर जाएगा चेक की कंडीशन क्या टू थ्री से छोटा या उससे इक्वल है हाँ कंडीशन सही है फिर से सेम प्रोसेस अगली बार क्या होगा काउंटर वेरिएबल की वैल्यू तीन होगी तीन पे चेक किया तो फिर से ट्रू कंडीशन फिर अंदर आ जाएगा फिर चेक कर लेगा उसके बाद क्या होगा दोबारा जाएगा, तो हो हो जाएगा तो देखेगा कंडीशन क्या सही है हमारी चार तीन से छोटा या उसके बराबर है तो कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स तो ये क्या हो गया नो हो गया ऐसा अगर नहीं है तो यहीं से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा तो ये बेसिकली होता है फॉर लूक एक ही ब्लॉक के अंदर या एक सिंगल लाइन के अंदर आपको तीनों कंडीशन आप अपनी रख सकते हो सबसे पहले तो काउंटर वेरिएबल को देखो यहां पे आपने क्या किया आपने काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिया उसके बाद क्या कर लिया इधर आपने क्या किया कंडीशन चेक कर ली कंडीशन चेक करने के बाद आपने क्या किया जब कंडीशन आपकी चेक हो गई और उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आपने ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसको एग्जीक्यूट कराया और अगर ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया तो उसके बाद फिर से क्या हम ऊपर पहुंच गए और काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को है या तो इंक्रीमेंट यहाँ पे तो इंक्रीमेंट की जा रही तो इंक्रीमेंट कर दिए या फिर डिक्रीमेंट कर दिए तो ये बेसिक जो प्रोसेस थी इसको अपन ने फॉलो कर लिया और बेसिकली अपना जो काम था अपना कोड था उसको एग्जीक्यूट कर लिया तो फॉर लूप में बेसिकली यही होता है ये मैं आपको ये इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं एक ब्लॉक के अंदर तीनों चीजें आपका इनिशियलाइजेशन कंडीशन चेकिंग और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो गया ठीक है तो ये अपन ने समझ लिया अब नेक्स्ट चीज जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो फॉर स्टेटमेंट है तो उसको कुछ उसके रूल्स हैं रूल्स के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं और उनको समझ लेते हैं या फिर सबसे पहले क्या करते हैं ये समझते हैं कि फॉर लूप एग्जीक्यूट कैसे हुआ इसमें तो एग्जीक्यूशन का मैंने सबसे पहले तो बता दिया एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं कि कोड में कैसे होगा तो वो मैंने बता दिया था आपको फ्लो चार्ट में अब इसका कोड कैसे होगा हो ये समझ लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक फॉर लूप को इनिशियलाइज करेंगे कैसे उसकी इनिशियल वैल्यू हमने दे दी वन ठीक है इनिशियल वैल्यू दे दी हमने वन उसके बाद क्या किया हमने जब हमारी इनिशियल वैल्यू, वैल्यू वन हो गई तो उसके बाद हम कर क्या रहे होंगे सबसे सिंपली कंडीशन हमें क्या चेक करनी थी जो काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू थ्री है तो क्या ऐसा है हाँ ऐसा हमारा था ठीक है कंडीशन कुछ कंडीशन के लिए था और कुछ कंडीशन पे जाके ऐसा नहीं हो रहा था नेक्स्ट चीज हम लोग क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे कि जो जब वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई तो अंदर हमने क्या किया सिंपली ले लिया एक प्रिंटे स्कैनर फंक्शन की मदद से हमने किया ये कि जो हमने वेरिएबल इनिशलाइज किए थे ऊपर उनकी वैल्यू को ले लिया ठीक है हमको एन पी और आर की वैल्यू लेनी है सिंपली तो हम लोग क्या कर रहे होंगे सिंपली एन और उसके बाद पी और उसके बाद आर की वैल्यू को हम लोगों ने ले लिया तीनों वैल्यूज जब आप हमारी आ, आ गई तो उसके बाद हमने क्या किया लेने के बाद हम लोगों ने इनकी वैल्यूज को हमने किया ये बेसिकली एस आई प्रिंट किया एस SI आई क्या है हमारा पी इंटू एन इंटू आर अपॉन हंड्रेड इसको हमने क्या किया सिंपली ये कैलकुलेट किया और उसके बाद सिंपली इसको हमने प्रिंट कर लिया प्रिंट परसेंट डी और उसके बाद हमने एस SI को क्या किया यहाँ पे प्रिंट कर लिया अब ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट कैसे हुआ इसके स्टेप्स क्या थे ये अपन समझ लेते हैं सबसे पहले ठीक है तो यहाँ पे सिंगल होगा एक ही है दो नहीं है ये ध्यान रखिएगा आप लोग ठीक है अब इसके स्टेप्स कैसे थे कैसे एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ इधर स्टेप्स लिख लेते हैं अपन ठीक है स्टेप्स क्या थे इसके एग्जीक्यूट होने के उनको हम समझ लेते हैं कि कैसे वो एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ था बेसिकली उस हिसाब से अपन देखते हैं तो जो पहला स्टेप होगा हमारा वो क्या हो रहा होगा हम ये समझ लेते हैं सबसे पहले जो हमारा काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हमने इनिशियलाइज किया वन काउंटर वेरिएबल की वैल्यू हमने इनिशियलाइज की काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किया काउंटर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन नीचे लिख लेते हैं इनिशियलाइजेशन ठीक है काउंटर वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज कर दिया नेक्स्ट चीज हमने क्या की कंडीशन को चेक किया काउंटर वेरिएबल को यहाँ पे इनिशियलाइज करने के बाद हमने क्या किया कंडीशन चेक की तो दूसरी चीज हमने क्या की कंडीशन को चेक किया क्या हमारी कंडीशन सही थी हाँ कंडीशन अगर सही थी तो उसके बाद क्या किया हमने बॉडी के हम लोग अंदर आ गए जो हमारा ये बॉडी के अंदर का कोड था लूप के अंदर का उसको हमने एग्जीक्यूट किया इसको एग्जीक्यूट करने के बाद अगर कंडीशन सही है तो हमने क्या किया कि जो लूप लूप बॉडी बॉडी का का की थी उसके अंदर वेरिएबल आपने बनाया था उसकी वैल्यू को आपने इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट किया काउंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर दिया आपने ठीक है इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट अपने हिसाब से जो भी आपका कोड में यूज हो रहा होगा उसको आप लोग यूज करेंगे काउंटर वेरिएबल इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ठीक है ये मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे आपको करना था अब नेक्स्ट चीज तो देखते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या रहा होगा इसमें ये समझ लेते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले क्या हुआ होगा स्टार्ट से शुरू करते हैं अपन स्टार्ट हुआ स्टार्ट के बाद सबसे पहले क्या हुआ इनिशियलाइज़ हुआ ठीक है इनिशियलाइज़ ठीक है इनिशियलाइज़ होने के बाद क्या नेक्स्ट चीज क्या हुई हमारी सिंपली इसके अंदर हमारा जो है ये हुआ कि कंडीशन चेक हुई टेस्ट हुआ ठीक है टेस्ट हुआ टेस्ट के बाद क्या किया बेसिकली अगर हमारा टेस्ट फॉल्स हुआ तो हमने क्या कर दिया जो हमारा कोड है अंदर है उसको स्टॉप कर दिया ठीक है जो अब उसके आगे, आगे आपको जाना नहीं अगर कंडीशन फेल हो गई उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या करनी है अगर ट्रू हो गया हमारा तो ट्रू होने के बाद बेसिकली हमने क्या किया सिंपली बॉडी लूप ऑफ बॉडी जो बॉडी थी लूप लूप की उसके अंदर हम हम लोग एंटर कर गए बॉडी ऑफ उसमें सिंपली एंटर कर गए बॉडी ऑफ लूप उसके बाद क्या किया इंक्रीमेंट किया ठीक है प्रोसेस वाइज है समझते रहिएगा इंक्रीमेंट किया उसके बाद हमने सिंपली इंक्रीमेंट कर दिए इंक्रीमेंट करने के बाद हमने क्या किया फिर से हम वापस कहा चले जाएंगे टेस्ट वाली कंडीशन जो है इस पे आ जाएंगे ठीक ठीक है है टेस्ट वाली कंडीशन पे वापस पहुंच जाएंगे ठीक है? तो ये स्टेप वाइज मैंने आपको बता दिया कि कि लूप ऐसे एग्जीक्यूट होता है अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे कि लूप जो फॉर लूप है बेसिकली वो एग्जीक्यूट कैसे हो रहा होता है ठीक है मैंने ये आपको समझा दिया अब नेक्स्ट चीज जो अपन देखेंगे नया पेज लगा लेते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट चीज हम लोग क्या देख रहे होंगे तो नेक्स्ट चीज बेसिकली ये है कि कुछ रूल्स हैं या फिर कुछ कंडीशंस हैं जो आपको बतानी है कंडीशंस फॉर लूप ठीक है तो फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिकली कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं नंबर वन पे क्या है कि काउंट अगर आप वेरिएबल को इनिशलाइज कर रहे हैं तो या तो उसको आई प्लस प्लस या फिर जो मैंने कल बताया था सिंपली वही बेसिकली या आई माइनस इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे इंक्रीमेंट के लिए बेसिकली यूज कर रहे हैं हम लोग आई प्लस प्लस और डिक्रीमेंट के लिए क्या यूज कर रहे हैं बेसिकली आई माइनस माइनस यूज कर रहे हैं तो इसकी जगह पे आप लोग क्या यूज कर सकते हैं इंक्रीमेंट के लिए और अगर कुछ करना चाहते हैं तो आई इज इक्वल टू आई प्लस वन कर सकते हैं डिक्रीमेंट के लिए आई इज इक्वल टू आई माइनस वन कर सकते हैं इसमें से जो आपको यूज करना हो आप यूज कर सकते हैं आपको ये बेसिकली बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि जैसे अगर आपको दो बढ़ानी है वैल्यू काउंटर वेरिएबल की वैल्यू एक साथ दो बढ़ानी तो कैसे बढ़ाएंगे तो उसके लिए सिंपली लिखना क्या है आई इज इक्वल टू आई प्लस टू तो आपकी जो काउंटर वेरिएबल की वैल्यू है वो दो बढ़ जाएगी तो ये मैंने आपको बता दिया अब नेक्स्ट चीज देखते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहती है कि जैसे जो फॉर लूप है फॉर लूप के अंदर आपने क्या किया लिख दिया जैसे int i 1 दूसरा लिख दिया i इज लेस देन आर इक्वल टू 10 और उसके बाद आपने जो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट यहां पर ना करके क्या किया यहां पे किया जो बॉडी अंदर कोड ब्लॉक ऑफ कोड लिखा उसके बाद सिंपली कर दिया i++ यहां पे आपने क्या किया अपना जो काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है आपके ठीक है तो जब यहां पे इंक्रीमेंट आप लोग कर रहे होंगे तब क्या होगा तो यहां पे इंक्रीमेंट आप कर तो सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको ये जो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर है इसको वहां लूप के अंदर लगाना ही पड़ेगा ठीक है ऐसे ही तीसरी जो कंडीशन है उसमें आप जो ये वैल्यू है इसको इनिशियलाइज ऊपर भी कर सकते हैं फॉर लूप के ऊपर लेकिन ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर किसी भी कंडीशन में आपको हटाना नहीं है तो ऐसे इसको समझ लेते हैं कि कंडीशन आप कहीं पे भी चेक करो ठीक है लेकिन आपके जो ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स हैं ये आपको लगाने ही हैं इनको आप लोग हटा नहीं सकते हैं अगर आप हटाएंगे तो आपको जो सेंटेक्स एरर आपका कंपाइलर है वो थ्रो कर देगा ठीक है तो इनको आप बेसिकली हटा नहीं सकते अपने हिसाब से अगर हटाना चाहें भी तब भी नहीं आप हटा सकते हैं वो एरर आपको दे देगा आपका कंपाइलर तो ये बात ध्यान रखिएगा आप इनिशलाइज कहीं पे करें अपना कोड कहीं पे भी आप उसको अपना कंडीशन चेक करें लेकिन अगर फॉर किया है तो उस टाइम पर आपको ये जो दोनों स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स हैं ये आपको यूज करने ही होंगे तो ये मैंने बेसिकली इसमें आपको समझा दिया कि ऐसे ये आपका हो रहा होगा ठीक है अगर आपको ना तो इनिशलाइजेशन करना है और ना ही आपको लूप के अंदर वो करना है अपना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तो सिंपली यहाँ पे ऐसे आप लोग करेंगे आप लोग लिखिएगा फॉर लूप फॉर लूप के अंदर सिंपली सबसे पहले स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाइए उसके बाद जो आपकी कंडीशन है आई इज लेस देन आर इक्वल टू टेन और उसके बाद सिंपली भी यहाँ पे बंद कर दीजिए स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाने के बाद और उसके अंदर आप लोग ब्लॉक ऑफ कोड लिख दीजिए और यहाँ पे आप लोग क्या करिए अपने काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर लीजिए और जो काउंटर वेरिएबल को यहाँ पे इनिशियलाइज़ आप करते हैं वो आप ऊपर तो इसी में साथ ही में समझ लें यहीं पे, कि जो हमारा जैसे अगर कोई कोड आपको लिखने को दिया जाए एक प्रॉब्लम भी साथ में कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड लगा लेते हैं और प्रॉब्लम एक करते हैं तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि आपको फॉर लूप की मदद से वन से लेकर टेन तक की नंबर्स को प्रिंट करना है तो आप कैसे प्रिंट कर रहे होंगे उसका क्या कोड होगा बेसिकली ये प्रॉब्लम है आपकी प्रॉब्लम नंबर वन है कि राइट कोड राइट कोड फॉर प्रिंटिंग प्रिंटिंग नंबर्स वन टू टेन ठीक नंबर्स वन टू 10. आपको 1 से लेकर 10 तक की नंबर्स को प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप ठीक है यूजिंग फॉर लूप ठीक फॉर लूप को यूज करके आपको 1 से लेकर 10 तक की नंबर्स को प्रिंट करना है तो आप कैसे प्रिंट कर रहे होंगे ये बेसिकली आपको कोड लिखना है तो मैं इसका जो लॉजिक पार्ट है आपको बता देता हूं तो सबसे पहले मेन फंक्शन को शुरू शुरू करेंगे मेन फंक्शन से मेन फंक्शन के बाद आपको क्या करना है सबसे पहले अपने वेरिएबल को इनिशलाइज कर लेना है एक काउंटर वेरिएबल लेके आपने इनिशलाइज कर लिया उसके बाद क्या करना है सिंपली फॉर लूप लगाना है फॉर लूप के अंदर आई की इनिशियल वैल्यू हम क्या दे देंगे जीरो दे देंगे ठीक वन से तो हमें प्रिंट करना है सॉरी तो वन से यूज करेंगे वन वन से लेके क्या करना है उसके बाद आई को जब तक लेस देन आर इक्वल टू टेन है तब तक चलाना है और उसके बाद आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते रहना है और सिंपली आई की वैल्यू को ही हम प्रिंट प्रिंट कर देंगे एफ लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंट डी और उसके बाद बैक स्लैश एन लगा लेंगे क्यों बैक स्लैश एन का यूज किस लिए होता है आपको पता है ना न्यू लाइन आपको जब प्रिंट करनी होती है तो उस टाइम पर आप लोग बैक स्लैश एन का यूज कर रहे होते हैं तो प्रिंट एफ आपको लिखना है परसेंट डी बैक स्लैश एन और उसके बाद सिंपली करना क्या है आई की वैल्यू को आप लोगों को प्रिंट कर देना है तो अब इसको जब कोड एग्जीक्यूट होना शुरू होगा तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या थी वन थी वन से शुरू हुआ देखेगा कंडीशन सही है वन लेस देन आर इक्वल टू टेन है तो सबसे पहले वन प्रिंट कर देगा ठीक दूसरे नंबर पे क्या होगा अब आई की वैल्यू बढ़ जाएगी दो होगी दो के लिए भी सेम चेक करेगा कंडीशन ट्रू तो दो भी प्रिंट करेगा ऐसे तीन यहां से लेके ऐसे ये टेन तक आपकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा तो ये मैंने बेसिकली बता दिया कि वन से लेकर टेन तक की वैल्यूज को आपको कैसे प्रिंट करना है फॉर लूप की मदद से अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं नेस्टिंग क्या होती है लूप्स के अंदर ठीक है नेस्टिंग इन लूप्स तो नेस्टिंग मैंने जैसा अभी कंडीशनल स्टेटमेंट्स में भी बताया था नेस्टिंग कुछ नहीं है बेसिकली आपका जो कोड है आप जैसे एक फॉर लूप लिख रहे हैं फॉर लूप एक या, आपने यहां पे लिखा ठीक फॉर लूप और उसी के अंदर आप लोग दूसरा लूप जब यूज कर दें ठीक है तो वो आपका बेसिकली क्या हो जाता है नेस्टिंग हो जाती है लूप्स की ठीक है तो अगर ऐसे करके आप जब कोड लिख रहे होंगे तो जो लूप है उसकी बेसिकली क्या हो गई नेस्टिंग हो गई ठीक है ये क्या कहलाते हैं जब लूप्स के अंदर आप लोग यूज लूप्स को यूज करते हैं तो आपके क्या क्या कहलाते हैं नेस्टेड लूप्स कहलाते हैं ठीक है बेसिकली ये हमने बताना था कि नेस्टेड लूप्स होते क्या हैं अब इसका एक कोड हम आपको दे रहे हैं आप लोग अपनी मदद से करिएगा करने की कोशिश करिएगा और उसका मैं सिंपली स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ क्या होगा आपको करना क्या है सबसे पहले जैसे एक हमने कंडीशन लिख ली फॉर आई सबसे सिंपल आई नहीं आर लेते हैं तीन वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं इंट आर इज इक्वल टू वन उसके बाद क्या करना है सिंपली चेक करना है कि R is less than R equal to three, उसके बाद क्या करना है आर की वैल्यू को बढ़ा देना है उसके बाद दूसरा इसी में लूप लेना है फॉर इंट सी इज इक्वल टू वन उसके बाद सी इज लेस देन आर इक्वल टू थ्री ठीक और C प्लस प्लस काउंटर वेरिएबल ये भी है एक सी इसकी भी वैल्यू बढ़ा दी अब अंदर क्या करना है एक वेरिएबल ऊपर इनिशियलाइज करेंगे हम इंट सम ठीक सम नाम से और अंदर क्या कर देंगे अब डूब के कुछ नहीं करना है सिंपली आपको आर और जो सी है इसकी वैल्यू को जोड़ देना है आर और सी की वैल्यू को जोड़ देना है और उसके बाद ये यहाँ पे स्टेटमेंट जो टर्मिनेटर सेमिकालन है उसको लगा देना है तो सबसे पहले क्या हो रहा होगा बेसिकली ये समझते हैं आर की वैल्यू सी की वैल्यू वन से शुरू करेगा और यहाँ पे पहले शुरू यहां से होगा कोड यहां से जब इस वाले पे आएगा तो सबसे पहले वन के लिए चेक करेगा क्या वन लेस देन थ्री है हाँ कंडीशन सही हुई तो ये यहाँ पे सम क्या प्रिंट कर देगा सबसे पहला वाला जो जो सम होगा वो ऐसे होगा आर की वैल्यू वन और सी की वैल्यू वन तो उसके लिए जो आपका सम हो रहा होगा वो क्या होगा बेसिकली टू हो जाएगा अब लूप यहां से देखिए अब ये गलती कभी मत करिएगा कि यहां से दोबारा आई की वैल्यू सीधे बढ़ा दो जाके सॉरी आर की वैल्यू सीधे नहीं आपको बढ़ानी है जाके अब सिंपली करना क्या है यहां से ही दोबारा लूप में काउंटर वेरिएबल की वैल्यू बढ़ा दो सी की वैल्यू कर दो टू और आर की वैल्यू रहेगी वन तो कंडीशन चेक होगी क्या टू लेस देन थ्री है नहीं ऐसा तो नहीं है तो अब क्या करेंगे फिर से अब सम कर देंगे यहीं पे तो सम अब क्या हो जाएगा टू प्लस वन थ्री हो जाएगा दोबारा से अब आर जो सी की वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर देंगे ठीक है जब वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हो जाएगी तो उस टाइम पे आपको करना क्या है सिंपली सी की वैल्यू हुई थ्री आपकी ठीक है थ्री हो गई वैल्यू थ्री करने के बाद आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेसिकली यहाँ पे वन थी तो यहां पे अब आर की वैल्यू अब भी वन रहेगी देखिए कंडीशन यहाँ पे ट्रू है तीन जो है आपका तीन से छोटा नहीं लेकिन उसके बराबर है कंडीशन सही है तो अब सम क्या प्रिंट कर देंगे अपन फोर प्रिंट कर देंगे अब उसके बाद देखते हैं अब फिर से एक बार वैल्यू बढ़ेगी सी की फोर होगी तो क्या फोर जब चेक करेंगे जाके इस वाले लूप में तो फोर के लेस देन थ्री है नहीं है अब ये लूप यहां से एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा अब जाके आप क्या करेंगे जो आपकी आर की वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करेंगे एक से दो करेंगे और फिर वैसे ही सेम पूरी प्रोसेस करके दोबारा से ये सम है बेसिकली हर नंबर के लिए आप लोग प्रिंट कर लेंगे तो ये मैंने समझा दिया कि लूप की निस्टिंग कैसे होती है और कैसे उसको एग्जीक्यूट करना होता है पहले एक लूप को पूरा एग्जीक्यूट कराना होता है ठीक है जो सबसे अंदर का लूप होगा अगर इसमें पांच लूप्स लगे हैं तो जो पांचवा लूप लग रहा होगा सबसे पहले उसकी सारी कंडीशंस को आप चेक करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके जब तक वो चलता रहेगा पहले उसको एग्जीक्यूट कराएंगे फिर चौथे जो चौथा लूप होगा उसकी सारी कंडीशन चेक हो जाएंगी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होने के बाद अगर वो हमारा लूप जो फ़ाल्स होता है तब हम लोग नेक्स्ट लूप पे स्विच करेंगे ठीक तो मैंने ये समझा दिया आपको कि ये ऐसे हो रहा होता है अब नेक्स्ट चीज जो तो देखते हैं वो है हमारी ऑड लूप्स क्या होते हैं ठीक है ऑड लूप्स ऑड लूप्स क्या है ऑड लूप्स बेसिकली कुछ नहीं आपका डू वाई लूप ही है तो डू वाई लूप अगर आप लोग बेसिकली होता क्या है जो ज्यादातर लोग या तो फॉर लूप का यूज करते हैं या फिर वाई लूप का यूज करते हैं डू वाइल बेसिकली कम यूज होता है ज्यादातर लोग कम basically, prefer करते हैं तो करते क्या है समझ लेते हैं कि डू वाई लूप होता क्या है क्योंकि हमारा काम है समझाना आपको समझा देते हैं तो जैसे हम लोग अभी तक यूज करते थे अगर ये हो तो ये हो जाए ठीक है तो अगर ऐसा ना हो तो ये ना हो ये कंडीशन जो बेसिकली है ये हमारी यूज होती है डू वाई लूप में तो डू वाई लूप के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है बेसिकली वो ऐसे होता है कि अगर हमारा कोई कंडीशन दी है ठीक है कोई काम तब तक करते रहो ठीक है कोई काम तब तक करते रहो जब तक कि ऐसा कुछ ना आ जाए ठीक ये सिंपली इसका स्टेटमेंट होता है ठीक है तो इसको समझ लेते हैं कि कैसे करना है तो देखो अब इसको एक कोड की मदद से समझते हैं पांच पांच की टेबल तब तक प्रिंट करते रहो ठीक है तब तक प्रिंट करनी है जब तक कि काउंटर वेरिएबल की वैल्यू करनी है जब तक कि काउंटर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो टेन ना हो जाए ठीक है जब तक कि काउंटर वेरिएबल की जो वैल्यू है हमारी वो 10 ना हो पाए ठीक काउंटर वेरिएबल जो है हमारा वो जब तक 10 ना हो जाए तब तक आपकी वैल्यू को प्रिंट करते की वैल्यू काउंटर वेरिएबल जब तक कि काउंटर वेरिएबल की वैल्यू 10 ना हो जाए ठीक है तो ये बेसिकली करना ऐसे है कि तब तक आपका कोड ये चलता रहेगा अंदर का कोड जो है सेम कोड होगा ठीक है इनिशियलाइजेशन आप लोग ऊपर कर लेंगे यहाँ पे अपना करते रहेंगे, को, और उसके वो चेक करते थे हम लोग की जब तक सही होती रहे और यहाँ पे आके हम क्या चेक कर रहे होंगे कि आपकी कंडीशन जब यहाँ पे ऐसी हो जाए या फिर कंडीशन फॉल्स हो जाए तब आप एग्जीक्यूट करना बंद कर दें तो ये बेसिकली होता है डू वाई लूप में डू लूप के कुछ प्रोग्राम्स आप लोग अपने मन से करिएगा मैं एक प्रोग्राम आपको करके भी दिखा देता हूँ और उसके बाद आज की क्लास एंड करेंगे नहीं तो लेक्चर फिर काफी ज्यादा हो जाएगा तो एक कोड हम लोग लिखते हैं जैसे मान लिया हमने कोड लिया कि मेन फंक्शन हमने लिखा मेन फंक्शन के अंदर बेसिकली हम क्या करें सबसे पहले एक कर, कर, कैरेक्टर में बना लेते हैं एनोदर नाम से वेरिएबल उसके बाद इंट की वैल्यू क्या कर एक ले लेंगे नम नाम से ठीक उसके बाद डू आपको करना क्या है कि आपको सिंपली एक स्टेटमेंट देना है प्रिंट में कि नंबर ठीक इंटर नंबर ठीक इंटर नंबर करेंगे जैसे नंबर इंटर करने के बाद क्या करना है सिंपली उसको स्कैनर फंक्शन की मदद से इनपुट में यूजर से ले लेना है ठीक यूज़ करेंगे और उसके बाद उसको यूजर से आप इनपुट ले लेंगे यूजर से इनपुट लेने के बाद आपको क्या करना है आपको सिंपली उसका स्क्वायर करते रहना है प्रिंट एफ परसेंट डी जो स्क्वायर है इसका वो परसेंट डी है ठीक तो इस नंबर का ये स्क्वायर है ऐसे करके आप करना है तो पहला वाला परसेंट डी किसके लिए होगा बेसिकली नम के लिए होगा और जो दूसरा वाला हो जाएगा वो आपका बेसिकली हो, नहीं पहला वाला जो होगा वो बेसिकली होगा ठीक नम नम, तो तो ये स्क्वायर के लिए तो ऐसे होगा जैसे अगर पांच नंबर लेंगे तो पच्चीस यहाँ पे होगा पच्चीस इज द स्क्वायर ऑफ फाइव और यहाँ पे हम लोग की सिंपली क्या है दूसरा वाला जो परसेंटाइल डी है वो बेसिकली नंबर के लिए है तो ये नंबर ऐसे प्रिंट हो जाएगा ठीक अब इसके बाद अगर एक और उसके बाद जब ये प्रिंट कर देंगे तो अब हम यूजर से एक और इनपुट ले रहे होंगे परसेंटाइल सी कि उसको क्या करना है प्रिंट करना है कि अगर एनोदर नंबर चाहिए ठीक है एनोदर नंबर उसको अगर चाहिए तो वो एनोदर नंबर डालेगा तो क्या वो ऐसा ही करना चाहता है कि मतलब एनोदर नंबर का उसको स्क्वायर चाहिए अगर स्क्वायर उसको चाहिए होगा तो क्या करेगा स्क्वायर उसको करेगा ठीक है लेकिन अगर उसको स्क्वायर नहीं चाहिए वाइल एनोदर इज इक्वल टू इक्वल टू वाई ठीक सिंपली लिखेंगे वाइल एनोदर इज इक्वल टू इक्वल टू वाई ठीक अगर यस यहां पे अगर वाई डालेगा यस या नो में उसको आंसर करना है अगर वाई डालेगा हमारा तो आपका जो कोड ऑफ स्टेटमेंट है वो बेसिकली क्या सीधे फिर से ऊपर चला जाएगा अगर वाई नहीं डालता है तो क्या होगा बेसिकली आपका जो कोड है वो स्टॉप हो जाएगा यही चीज हमारा डूवाइल हमें अलग से दे रहा होता है तो इस कंडीशन अगर ये कंडीशन फेल होगी अगर ये वाली कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी तो हमारा कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है मैंने आपको ये बता दिया कि ऐसे आपको करना होता है अगर आपकी कंडीशन एग्जीक्यूट जो हो रही है वो फेल हो जाती यहां पर अगर इनोदर की वैल्यू हमारी क्या होगी Yes, के सिवा कुछ और आ रही होगी तो क्या कर रहे होंगे हम लोग सिंपली अपने लूप को यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा वो बंद हो जाएगा तो ये मैंने आज को को आप लोगों को पूरी क्लास के अंदर समझा दिया जो बेसिक फॉर लूप लूप के के और डू वो मैंने आपको समझा दिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड तो आप लोग जो हमारे ग्रुप्स बने हैं उसके अंदर हमसे पूछ सकते हैं अपना कोड जो करना है वो करिए और कुछ बेसिक कोड्स हम लोग आप लोगों को ग्रुप के अंदर भी प्रदान करेंगे और वहां से आप लोग उनको सीख सकते हैं ठीक है तो गाइज ये था आज के वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सीखते रहिए ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा कोड करने की प्रैक्टिस कीजिए कोड हम अभी इसलिए नहीं आपको सिखा रहे हैं या दिखा रहे हैं करके क्योंकि उसमें प्रॉब्लम यह है कि तब आप कोड अगर मैं सीधे करके दिखाता रहूंगा तो आप लोग जो सीखने वाला पार्ट है वो आसानी से समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो चीज आपको बोर्ड के माध्यम से ही हम अच्छे से समझा सकते हैं कि कैसे कोई चीज एग्जीक्यूट हो रही है उसका क्या प्रोसेस है ये सारी चीजें हम लोग आपको कोर्ट से ही नहीं समझा पाएंगे हमें पता है कोर्ट से क्योंकि हम जब सीखते थे हम लोग तब भी कोर्ट से अगर आपको सिखाई जा रही है चीजें सीधे सीधे अगर कोर्ट लिखा जा रहा है कोर्ट करके दिखाया जा रहा है तो आप उतने अच्छे से चीजें नहीं समझ सकते हैं मेरे हिसाब से तो गाइज ये था आज के वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए Stay happy, stay healthy. Thank you guys.